ये क्या राजू भैया, इतने बुरे कमेंट्स आए हैं हमें, पढ़कर रोना आ रहा है। हाँ पिंकी, सभी वीडियोस के इतने बुरे कमेंट्स हैं कि यकीन नहीं हो रहा। एक इंसान ने लिखा है कि क्या वाहियात प्रदर्शन है, एकदम बेकार एक्टिंग है। इतना बुरा था क्या हमारा ड्रामा, लोगों ने ऐसे कमेंट्स क्यों डाले हैं? हाँ और तो और 12 डिसलाइक्स हैं भैया, क्या हमने सही में इतना बुरा ड्रामा किया है क्या? फिर स्कूल में हमें फर्स्ट प्राइज कैसे मिला पिंकी? मुझे तो लगा ये ड्रामा यूट्यूब पे डालेंगे तो सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स भी ज्यादा आएंगे, पर यहाँ तो स्टोरी ही अलग है पिंकी। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग ही छोड़ दूँ। हाँ भैया, इतने बुरे कमेंट्स पढ़कर तो मेरा भी मन उठ गया है एक्टिंग से। स्कूल के फ्रेंड्स ये सब पढ़कर बहुत मजाक उड़ाएंगे हमारा, नहीं करनी एक्टिंग अब से। अरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? क्या हुआ? पापा मम्मी, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अब से कभी भी ड्रामा में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, शायद हमें एक्टिंग आती ही नहीं है, खामा खाकी नाक कटा ली हमने। ये कैसी बातें कर रहे हो? पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारे ग्रुप को ड्रामा में फर्स्ट प्राइज मिला था, आज अचानक से क्या हो गया? वही तो मम्मी, हमने उसी ड्रामा का वीडियो बनाया था मोबाइल पे और टीचर से डिस्कस करते हुए हमने वो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। सोशल टॉपिक पे ड्रामा था तो टीचर ने कहा जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा उतना सोसाइटी में सुधार आएगा। हमें लगा जैसे स्कूल में सबको पसंद आया था, यूट्यूब पे भी लोगों को अच्छा लगेगा। पर मम्मी, बहुत बुरे कमेंट्स आए हमें। अच्छा, जरा पढ़ के तो बताओ हमें। कितना बेकार परफॉर्मेंस है, इन लोगों को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। अब ये बताओ, ये किसने लिखा है? किसी प्रिंसेस लैब ने। क्या तुम उसको जानती हो? नहीं पापा। और कुछ कमेंट्स पढ़ो। ये क्या स्क्रिप्ट है, इससे अच्छा तो मैं कर लेता हूँ। इनको लगता है ऐसे सोशल टॉपिक पे ड्रामा करेंगे और बड़ा ही सोसाइटी में चेंज आएगा। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए तुम बंदरों की एक्टिंग और ड्रामा एकदम फुद्दू है। ये किसने लिखा है? किसी 123@lovestar ने। क्या तुम उसको जानते हो राजू? नहीं मम्मी, ये कैसा नाम है, मैं ऐसे नाम वाले को नहीं जानता। बच्चों, ये इंटरनेट के वर्ल्ड में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कंप्यूटर के पीछे छुप के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कमेंट्स पे। बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर कमेंट करने वाला तुम्हारा शुभचिंतक हो। अब ये नाम क्या था वो? 123@love। हाँ, ये सब सुनकर ही पता लग रहा है कि अकाउंट फेक है। ज्यादातर अच्छी नसीहत देने वाले लोग अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करते हैं। ये अकाउंट के नाम से लेकर उनके कमेंट करने के ढंग से पता लगता है कि ये इंटरनेट पे ट्रोल करने का काम करते हैं। जरा चेक तो कर लो इनके अकाउंट्स। हाँ मम्मी, ये अकाउंट देखने में तो फेक ही लग रहा है, इनके काफी वीडियोस पे कॉपीराइट इश्यूज भी हैं। राजू, इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दो। देखा बेटा, जितना ये इंटरनेट का वर्ल्ड हमारे एक क्लिक पे सब चीजें फटाफट हाजिर करता है, उतना ही खतरनाक हो सकता है। तुम्हें खुद से जज करना होगा कि कौन से कमेंट या मैसेज को तुम अपनाना चाहते हो। हर कमेंट को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कई बार तो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन इधर उतार देते हैं और दो बार सोचते भी नहीं। हमें सीखना है कि हम अपने मेंटल पीस को कैसे बरकरार रखें। अब जब तुम लोगों ने यूट्यूब के वर्ल्ड में एंटर कर ही लिया है तो ध्यान रहे कि हर कमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, सबके अपने अपने विचार हैं। तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि कौन सही में अच्छी नसीहत देने की इंटेंशन से कमेंट कर रहा है और क्या उस कमेंट से तुम्हें कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। हाँ, बात तो सही कही आप दोनों ने। आगे से ध्यान रहे, ये इंटरनेट पे कही जाने वाली हर बात को अपने जीवन पर असर मत करने दो। सही कहा पापा, वैसे अब स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो नीचे काफी लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं। अरे हाँ, नेगेटिव कमेंट्स को छोड़कर हमने दूसरे कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दिया। एक ने कहा है, वाह स्कूल के बच्चों ने इतना बेहतरीन मैसेज दिया है इस टॉपिक पे, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बस ये शूट आउटडोर भी करना चाहिए था फॉर बेटर इफेक्ट एंड लाइटिंग। देखा, इसको कहते हैं सही से फीडबैक देना, तारीफ भी की एंड अपना ओपिनियन भी दिया। हाँ मम्मी, सही कहा आप लोगों ने,